फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी ग्राउंड वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे अगली को हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले, और आप आसानी सबसे पहले वीडियो देख सकें। फाइनली फ्रेंड्स, बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी की रिजल्ट के बारे में, तो आज रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो ही रहा है, 4 मार्च है आज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नोटिस आया हुआ है जहाँ पर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी है, फिजिकल के लिए अधिक छात्रों को मिला मौका, 9,30,000 छात्र हुए पास, ठीक है। आपको ऑफिशियली प्रूफ के साथ मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा चैनल को आपने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, रेलवे की हर अपडेट्स वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले अब न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ जो है NDTV इंडिया पर प्रकाशित की गई है, आज आएगा ग्रुप डी रिजल्ट। ये है वेबसाइट, ये डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट लिंक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बाद में आपको इसका फिजिकल के जो कैंडिडेट है 9,30,000 दिखाऊंगा, कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 9,30,000 उम्मीदवार होंगे फिजिकल के लिए पास, ठीक है। तो आप रिजल्ट जो है आज की न्यूज़ है 4 मार्च की डेट को देख सकते हैं, आज RRB का रिजल्ट जारी होने वाला है। ये तो नॉर्मल चीज़ है क्योंकि ऑफिशियली भी पब्लिश हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगे हम इस न्यूज़ की तरफ को नज़र डालते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि RRB ग्रुप डी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ग्रुप डी उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने वाला है। रेलवे द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट 3:00 के बाद जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। आज 3:00 के बाद जारी कर दिया जाएगा, हो सकता है 3 से 3:30, 4, 5 भी टाइम हो जाए, लेकिन टाइम की नहीं कह सकते क्योंकि हर वेबसाइट पर जब जब अपलोड होते रहेंगे रिजल्ट, तो हर सब वेबसाइट पर एक साथ रिजल्ट पब्लिश नहीं हो सकता, ठीक है। तो और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रिजल्ट जो आपकी परीक्षा चली थी वो 17 सितंबर से 17 दिसंबर के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें 1,17,00,000 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मैं बता दूं कि जो फिजिकल के लिए क्या रहने वाला है, मेल कैंडिडेट है उनके लिए 35 किलो वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ रेस लगानी है, साथ ही यहाँ पर 1 किलोमीटर दौड़ यानी 1,000 मीटर दौड़ 4:15 में पूरी करनी है। वहीं महिलाओं के लिए 20 किलोग्राम वजन लेकर 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है, साथ ही यहाँ पर 1 किलोमीटर यानी 1,000 मीटर 5:40 में महिलाओं को पूरा करना है, ठीक है। तो ये जो है और NTPC की वैकेंसी है यहाँ पर, जो 31 मार्च तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकेंगे। तो चलते हैं, आप बताते हैं आपको फिजिकल के लिए 9,30,000 कैंडिडेट कैसे पास होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, देखिए न्यूज़ जो है लाइव हिंदुस्तान पर प्रकाशित की गई है, यहाँ पर ये बताया गया है, देखिए ऑफिशियली यहाँ पर बताया गया था कि जनरल के लिए 40% कैंडिडेट पास किए जाएंगे, साथ ही OBC के लिए 30 और SC के लिए 30 और ST के लिए 30% कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए जाएंगे, ठीक है, फिजिकल के लिए। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए मैं आपको बता दूँ, कंप्यूटर बेस्ड आधारित उम्मीदवारों को PET के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इस टेस्ट में क्वालिफाई करने वालों के लिए फाइनल मेरिट में तैयार किया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए मैं आपको बता दूँ कितने कैंडिडेट जो है इस फिजिकल के लिए पास किए जाएंगे, वो यहाँ पर बता दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है, सेकंड स्टेज CBT, फर्स्ट स्टेज CBT में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों के लिए सेकंड स्टेज CBT के लिए बुलाया जाएगा, कुल वैकेंसी की संख्या में 15 गुना, आप अगर 62,000 से, ठीक है, 15 की गुणा करते हैं तो करीबन 9,30,000 कैंडिडेट इसमें आएंगे, जो 9,30,000 फिजिकल के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे, फिजिकल में जो है आप जा सकेंगे, 9,30,000 कैंडिडेट आपके फिजिकल में, अब काफ़ी भारी संख्या में फिजिकल में बुलाए जाएंगे, ठीक है। देखिए फिजिकल में क्या होता है कि फिजिकल में कुछ कैंडिडेट डिसक्वालीफाई रह जाते हैं क्योंकि रेस उन पर नहीं लग पाती है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कैंडिडेटों के अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कुछ एबसेंट रह जाते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ कैंडिडेटों को जो है हटा दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही जैसा कि मेडिकल होता है, तो मेडिकल में भी कैंडिडेटों को जो है हटा दिया जाता है, जिससे कैंडिडेट जो है भारी संख्या में एबसेंट और डिसक्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो इसलिए देखिए रेलवे ग्रुप डी की काफ़ी, देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी, भारत की सबसे बड़ी वैकेंसी जो है रेलवे है, और सबसे बड़ा बोर्ड जो है वो रेलवे का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 15 गुना बच्चों को बताया जा रहा है कि 15 गुना बच्चे जो है लिए जाएंगे फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जितनी वैकेंसी है, देखिए फिजिकल जितना होता है के लिए मेडिकल में भी उतने ही कैंडिडेट लिए जाएं, ठीक है। मेडिकल में भी वैकेंसी से ज़्यादा संख्या में कैंडिडेटों को लिया जाता है कि मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाई रह जाते हैं कुछ स्टूडेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इतना अपडेट था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, रेलवे के हर अपडेट्स पाना चाहते हैं जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।